करने और कर गुजरने के जज्बात मन में हो तो बड़े हौसले भी छोटे पड़ जाते हैं। इसी की वानगी पेश की है एक सरकारी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने। जी हाँ, अमेठी में एक ऐसा भी विद्यालय है जो विद्यालय के बजाय रेलवे विभाग के एक्सप्रेस ट्रेन की तरह लगता है। विद्यालय में बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। विद्यालय को रेलवे विभाग के ट्रेन की तरह बनाया गया है और इतना आकर्षक बनाया गया है कि विद्यालय खुद निपुण भारत एक्सप्रेस की तरह लगता है। यूपी के अमेठी ब्लॉक के अमेठी का सीतारामपुर प्राथमिक विद्यालय है जिसको निपुण भारत एक्सप्रेस की तरह बनाया गया है। एक स्थानीय पेंटर द्वारा इस विद्यालय को इतना आकर्षक रूप दिया गया है कि विद्यालय की सुखद तस्वीर से बच्चे खुद विद्यालय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विद्यालय में 60 बच्चे पंजीकृत हैं। अक्टूबर 2013 में शाहजहांपुर से अमेठी की रहने वाली नीलम तिवारी जब स्थानांतरित होकर आई तो विद्यालय को उन्होंने बेहतर बनाने का प्रयास किया। विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 5 की छात्रा नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है और हम सब विद्यालय आते हैं और ट्रेन पर भी बैठते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम तिवारी ने बताया कि कुछ करने की चाह थी कि कुछ अच्छा किया जाए और इसी के लिए हमने पेंटर के सहयोग से इस विद्यालय को इतना बेहतर बनाया है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग भी यहां फोटो खिंचवाने आते हैं और विद्यालय में जो बच्चे नहीं आते थे वह भी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पर आने लगे हैं। विद्यालय की इतनी सुखद तस्वीर देखकर आप खुद यकीन नहीं करेंगे। नीलम तिवारी जो कि विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हैं, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में कुछ करने की चाहत की वजह से यह ऐसा काम किया गया है। वहीं विद्यालय को इतना आकर्षक रूप देने वाले प्रिंटर कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं सब योजनाओं से प्रेरित होकर हम ऐसे विद्यालय बनाते हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षकों का सहयोग रहता है हम उन विद्यालयों में जाते हैं और आकर्षक तस्वीरें बनाते हैं ताकि बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो सकें। आपको बता दें कि विद्यालय में बहुत सारी आकर्षक और सुंदर तस्वीर बनाई गई है। प्रधानाध्यापिका नीलम तिवारी से न्यूज 18 लोकल की टीम ने बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, खास करके विद्यालय को लेकर, और विद्यालय में क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं और विद्यालय के बच्चे किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं, सब उन्होंने जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि विद्यालय में 60 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन विद्यालय की सुखद तस्वीर देखकर लोग यहां पर फोटो खिंचवाने भी आते हैं और अब तक कई लोगों ने इस विद्यालय की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा भी किया है। आपको बता दें कि विद्यालय में आकर्षक तस्वीर बनाई गई है। विद्यालय को नाम भी दिया गया है निपुण भारत एक्सप्रेस। विद्यालय में बड़ी ही अच्छी अच्छी सुखद तस्वीर बनाई गई है और ऐसी सुखद तस्वीर देखकर विद्यालय की ओर बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और विद्यालय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ है पूरी पहल जो विद्यालय के लिए की गई है। नाम नीलम तिवारी है, हम प्राथमिक विद्यालय सीतारामपुर में हेडमास्टर हैं। हम यहाँ पे आप विद्यालय में निपुण एक्सप्रेस ट्रेन जो है निर्माण पेंटिंग के द्वारा कराएंगे, कैसे प्रेरणा मिली है इस सब करने के लिए आपको? कुछ अलग करने की चाहत थी कि कुछ अच्छा करें, लोगों को आकर्षित लगे, बच्चों को, और कुछ हमारे विभाग के हमारे अधिकारियों का भी प्राप्त प्रेरणा मिली और कुछ अच्छा करने का हम संकुल हैं। इस वजह से कुछ अलग करके हमें ये ड्यूटी मिली थी कि आप अपने विद्यालय कुछ अच्छा निपुण बनाइए जिससे आपके विद्यालय को देख के बाकी लोग प्रेरित हों। ये सब देख करके हमने कुछ अलग करने की चाह की और हमारे पेंटर हैं श्री कृष्ण कुमार जी, धमौर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये अलग एक अनोखा बताया तो हमें अच्छा लगा तो हमने ये निपुण भारत एक्सप्रेस चलवाई है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग भी आते हैं फोटो खिंचाने के लिए कि भाई मैं मैडम जी के स्कूल में है, और बच्चे जो नहीं आते थे वो भी आने लगे हैं कि चलिए मेरे स्कूल में ट्रेन बन गई है, बहुत उत्सुक होते हैं और अक्सर जा करके आवाज़ ट्रेनों की निकालते हैं और बच्चों की ट्रेन की आवाज़ निकालने से ही मुझे प्रेरणा मिली कि हम उसके वीडियो में ट्रेन की ही आवाज़ डालें। तो इस वजह से हमने उसमें ट्रेन की आवाज़ डाली और उसको भेजा था सर अधिकारियों के पास। जी, नाम है आपका? मेरा नाम तो कृष्ण कुमार गुप्ता है, लेकिन किसान आर्ट के नाम से मेरी पेंटिंग की जाती है। कहाँ से कैसे सीखे थे ट्रेन बनाने स्कूल में?
अब सर देख रहे हैं सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं उससे भी हम भी प्रेरित हुए और हमको भी ऐसा भी लगा कि अगर शिक्षकों का सहयोग मिला तो हम कुछ अच्छा विद्यालय में करें। इससे हमको एक प्रेरणा मिली कि हमको विद्यालय को इतना आकर्षक बनाना है कि बच्चे अपने आप एडमिशन कराने के लिए विद्यालय में आने लगें, क्योंकि बहुत पहले बहुत गड़बड़ स्थिति रहती थी विद्यालयों की। और हमने चित्रकारी अनंतराम पांडे जी से सीखी है और ये सब जो है हम अपने आप से प्रेरित होकर ये विद्यालय को, हमको बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी विद्यालय में कुछ अलग करता हूँ। तो और भी कोई विद्यालय यहाँ पे बना है कि पहला विद्यालय यहाँ पे बना है नहीं, आपका? आप अमेठी विकासखंड में पहला विद्यालय ऐसा बना है। किस क्लास पढ़ती हो आप? मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। भैया आपके स्कूल में जो ये ट्रेन बनी है कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है सर। इससे आप लोग बैठते हैं ट्रेन पे? यस सर बैठते हैं। तो पढ़ने उड़ने आती हैं आप लोग? यस सर रोज आते हैं। ये कैसा लगता है आपके स्कूल यहाँ पे जो ट्रेन बनी है? बहुत अच्छा लगता है।